दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल मेहंदी है रचने वाली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अपरवी को तगड़ा झटका लगने वाला है। शो में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब राघव आधा अधूरा सच पल्लवी को बताता है कि उसने ईशा को उसके इतना अच्छे से जानता है, वो क्लासमेट थी और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और पैसे ही उसके लिए सब कुछ है। और पल्लवी की गोद में सर रखकर रोता नजर आता है और पल्लवी उसे संभालती नजर आती है। पल्लवी दूसरे दिन ईशा से बात करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ कीर्ति राघव को बताती है कि उसने उसके बारे में पूछा था और उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम आगे बढ़ चुके हो और तुम अपने अपने रिश्तों को अलग अलग क्यों नहीं रखते हो, प्रोफेशनल लाइफ को अलग और पर्सनल लाइफ को अलग। और कीर्ति समझाने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन राघव को गुस्से में कुछ समझ नहीं आता है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर पल्लवी पहुँचती है ईशा के पास में, जहाँ पर ईशा ने अब रिजाइन दे दिया है और वो सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद ईशा से बात करती है तो ईशा को लगता है कि शायद राघव ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो भी सब कुछ सच बता देती है कि हमारी शादी तक बात पहुँच गई थी और फिर वो उससे शादी नहीं कर पाई और उसका ब्रेकअप हो गया। और ये भी आधा अधूरा ही सच होता है लेकिन अभी तक पल्लवी के सामने ये सच नहीं आता कि आखिर उसका क्या, उसने जो है क्यों अब शादी तोड़ दी थी। लेकिन फाइनली फिर वो पल्लवी उससे पूछ ही लेती है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि उसकी कोई मजबूरी थी इसीलिए उसने ब्रेकअप किया था। और राघव के सामने भी ये सच आ जाता है और उसके बाद में राघव उसे माफ कर देता है और अब वो अब ठान लेता है कि वो भी उसकी अच्छाई को ही देखेगा और वो जो पहला पास्ट में उन दोनों के बीच में हो चुका है उसे भूल जाएगा। तो वो एक नई शुरुआत करने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलता है कि पल्लवी भी राघव के लिए ही गिफ्ट लेकर पहुँचती है, उसे सरप्राइज देना चाहती है लेकिन तभी देखती है कि ईशा को राघव ही गिफ्ट दे रहा होता है और ये देखकर पल्लवी के होश उड़ जाते हैं। यहीं से अब राघव और पल्लवी के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाएगी और पल्लवी को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या राघव सच में अब ईशा की तरफ खींचा चला जा रहा है या फिर ईशा ही कोई यहाँ पर चाल चल रही है राघव और पल्लवी को दूर करने की।